ओके, तो आप बता रहे थे कि इसको चार्जिंग के भी कोई मिथ है कि यहाँ चार्ज नहीं हो सकती, वहाँ चार्ज नहीं हो सकती, ऐसे कुछ बता रहे थे? हाँ जी, इलेक्ट्रिशियन बना दिया इस गाड़ी ने सबको। ये देख रहे हो व्हाइट कलर का लुक, ठीक है। अब ये जैसे ही चार्जिंग ऑन होगी ना, ये गाड़ी इस गन को लॉक करेगी यहाँ पे, ठीक है। अनलॉक कैसे करते हैं? अब अगर अर्थिंग प्रॉब्लम आया आपकी, डेफिनेटली ये गाड़ी उसको छोड़ेगी नहीं। एक बार आप बता रहे थे कि 3% में रह गई थी गाड़ी, आपको काफी चलना था। आप इस गाड़ी को लोगे ना, 10 तरह की टेंशन आपको फ्री में मिलेगी। कैसे? मेरे को 2 या 3 महीने लगे उस एंजाइटी से बाहर निकलना। वो एंजाइटी हर ईवी ओनर जो नेक्सॉन ईवी ले रहा है ना, हर बंदे को एक टाइम जैसे ही लेगा एंजाइटी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने ये सोचा कि एक काम करते हैं, जितने भी नॉन पर्सन है सबको मैंने बोला अपने घर पे एक पावर प्लग लगा के रखो मेरे लिए। सबका घर पे जाके अर्थिंग करवाई है मैंने। अच्छा? तीन सेटअप किए मैंने यहाँ पे, तीन सेटअप में मैंने अर्थिंग करवाई है अपने पैसे से। माहौल लोग ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि यार 16 लाख में तो स्कॉर्पियो आ जाते। बिल्कुल आ जाते। तो दोस्तों, आज अपने पास है टाटा नेक्सॉन ईवी, और वो जो गाड़ी है वो है घनश्याम भाई की। घनश्याम भाई बड़े दूर से आए हैं हमारे पास आज, और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि ये जुलाई 2020 में ली गई गाड़ी है। अभी तक 4 से 5 बार सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुके हैं इस गाड़ी के, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट आए हैं। और साथ के साथ इस गाड़ी की बहुत सारी ऐसी कमियाँ भी हैं जो घनश्याम भाई हमको बताना चाहते हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो इस वीडियो को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ईवी को लेकर के जितने भी मिथ वगैरह हैं वो भी हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे। क्या चैलेंजेस आते हैं, जो रियल रिपोर्ट है ना, वो आपको आज के इस वीडियो के अंदर देखने को जरूर मिलेगी। और घनश्याम भाई जो है वो कुछ एक यूनिक पॉइंट भी हम लोगों से शेयर करने वाले हैं इसको लेकर के, जो भी इन्होंने फील करी है तो वो चीज भी ध्यान से देखिएगा। और घनश्याम जी से हमारी काफी टाइम से बातचीत हो रही थी, आपको काफी कुछ बताना चाहते हैं। अगर आप ईवी को कंसिडर कर रहे हैं या फिर 15 लाख के आसपास, 16 लाख के आसपास आपका बजट है, तो आपको पेट्रोल में जाना चाहिए या फिर ईवी में जाना चाहिए, वो भी आपको समझ में आएगा। तो जी घनश्याम जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और तो जी, पहली बात तो ये गाड़ी स्टार्ट करके ना, पहले आवाज सुनाओ लोगों को। गाड़ी स्टार्टेड है, आपको पता होगा। तो ये बताइए कि ईवी आपने काफी पहले जो है इसका चयन कर लिया था, तो उस टाइम पे क्या मेंटेलिटी थी आपकी? मेरे पास ऑलरेडी पहले मेरी फर्स्ट कार नैनो है, आज भी है, और घर पे एक और गाड़ी है भाई के पास, एक गुड़गांव में सिस्टर के पास एक गाड़ी है। तो मेरे को ये था कि अपने को ऑफिस टू घर या घर से स्कूल ज्यादा से ज्यादा मतलब 80-90 किलोमीटर का डेली का अगर होना होगा तो हो जाए, हाईवे रन इतना करना नहीं है, घर तक पहुंचना है 210 किलोमीटर आराम से कवर हो जाए। तो ये माइंडसेट था, रिस्क लेके देखना था। पहले ईवी की जो लिमिटेशन आती है किलोमीटर वाली, तो वो तो यहीं पर ही खत्म हो जाती है इनकी नीड के अकॉर्डिंग। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं शिमला जाना हूँ, आज तक शिमला नहीं गया, आज तक मसूरी नहीं गया। मेरा रन है यहाँ से घर पहुंच जाओ, घर से वापस इधर आ जाओ, ठीक है। मेरी बेसिक नीड्स है वो बस यही। छोड़ो, जाके देखो, बढ़िया डेस्टिनेशन है यार। फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज वेरी बैड। आप इस गाड़ी को लोगे ना, 10 तरह की टेंशन आपको फ्री में मिलेगी। कैसे? मेरे को 2 या 3 महीने लगे उस एंजाइटी से बाहर निकलना। वो एंजाइटी हर ईवी ओनर जो नेक्सॉन ईवी ले रहा है ना, हर बंदे को एक टाइम जैसे ही लेगा एंजाइटी स्टार्ट हो जाएगी। एंजाइटी ये होगी कि मैंने 16 लाख रुपए लगाए, 16 लाख रुपए लगा के मैं कहीं जा नहीं सकता, या मेरे को सोच समझ के जाना पड़ रहा है। दूसरा, माहौल लोग ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि यार 16 लाख में तो स्कॉर्पियो आ जाते। बिल्कुल आ जाते। वो ये नहीं देखता कि स्कॉर्पियो में साल का 40,000 और डालना पड़ता है मेंटेनेंस में या फिर पेट्रोल डीजल में, जैसा भी है। वो चीज भाई उनको समझाओ, या फिर लोगों, ये लोग बाग है ना मेरे गाँव में, ऐसे सोचते हैं कि भाई ये तो बैटरी डाल के चल रहा होगा पीछे, जैसे वो नहीं होती ट्यूबलर बैटरियां, यार बैटरी कहाँ लगी है दिखाना। तो ये एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस है उनको दिखाना, यार पानी में जाएगी तो तेरे को करंट लग जाएगा, ठीक है। लेकिन इस गाड़ी का पैसा वसूल है, पता है? पैसा वसूल इसलिए है, लेने के बाद में आपको हाईवे पे जब गाड़ियां चलती है ना तो मुड़ के देखते हैं लोग, दूसरा रुकवा के भी पूछते हैं भाई साहब कैसा लग रहा है। तो वो एक
खुद को रिचनेस फील आती है। वो अच्छी बात है क्योंकि अभी देखिए कि धीरे धीरे चलन स्टार्ट हो रहा है इंडिया के अंदर, तो कुछ लोगों का जो शंका है ना वो दूर वो खुद ही करते हैं कि यार ये कितनी चलती है, कैसी है गाड़ी, क्या एक्सपीरियंस है, क्या चीज। तो उसी चीज की वजह से आज हम ये लेकर के आए ताकि ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंच सके। अभी आप ये देखिए लगभग 22% कंज्यूम किए, 22% कंज्यूम में लगभग 55 किलोमीटर होने से तो 78 मेरे को दिखा रही है अभी भी बैटरी बची हुई है वहां पे। तो 22% में लगभग ये 2.5 किलोमीटर से ऊपर का निकाल रही है इसका। अच्छा आप एंजाइटी की बात कर रहे थे, एंजाइटी से बाहर कैसे आया? एंजाइटी से बाहर ऐसे आया कि जैसे आप गुड़गांव में इनिशियली जिस टाइम मैं एक साल पहले के लगभग जुलाई अगस्त में जब पहुंचा था तब यहाँ पे सिर्फ चार्जिंग स्टेशन था 52 में, एक था एमजी मोटर में। भाई साहब एमजी मोटर का भी सीन बताता हूँ, जो टाटा के पास चार्जिंग सेंटर था इनके सर्विस सेंटर पे चला जाओ, इनके शोरूम पे चले जाओ तो बोलते हैं कि वहाँ जाओ, वहाँ जाके पता चलता है कि उन्होंने तो खुद वो जनरेटर पे चला रहे हैं भाई। ठीक है उनका पूरा सर्विस सेंटर जनरेटर पे चला हुआ है क्योंकि उनका कुछ डिस्प्यूट चला हुआ है DHVN से। वो एक कोई ऐसा लग रहा था कि जहाँ फंस गया। फिर अब एक चीज हो रहा है, आप गुड़गांव में हो ठीक है, बहुत सारी कॉलोनियां ऐसा है कि अब गर्मियों में 24-24 घंटे लाइट नहीं होगी, फंस गए। तब मैंने ये सोचा कि एक काम करते हैं, जितने भी नॉन पर्सन है सबको मैंने बोला अपने घर पे एक पावर प्लग लगा के रखो मेरे लिए। सबका घर पे जाके अर्थिंग करवाई है मैंने। अच्छा? तीन सेटअप किए मैंने यहाँ पे, तीन सेटअप में मैंने अर्थिंग करवाई है अपने पैसे से। एक 25 एम्पियर की MCB और एक अपना 4 mm की कम से कम मिनिमम वायर चाहिए इसमें, तो वो वायर का सेटअप। ये सारी चीजें आप कर ली ना, अब मेरे को ये नहीं है कि हाँ आज मेरे घर पे कुछ इश्यू आया, चलो कोई बात नहीं मैं आपके घर पे जाके अपना लगा के निश्चिंत हो जाऊं। वैसे एक बार फुल चार्ज होने में कितना खर्चा आता है यार दोस्तों? ये नहीं लगता ये तो हमसे फुल टैंक करवा रहा है यार। देखो इसमें ये है सीन कि भाई गाड़ी तो तूने ले ली, भारी हम पे पड़ रही है, क्या बात है। नहीं 30 किलोवाट की बैटरी है, हर किलोवाट में एक यूनिट चाहिए। तो अब आप जैसे मैं ये 22% रिमेनिंग है, 22% मतलब एक घंटे में 10% उठेगी और एक घंटे की 3 यूनिट है, तो 3 × 3 = 6 = 2 = 8, ज्यादा से ज्यादा 8 यूनिट में गाड़ी है। तो 8 यूनिट के हिसाब से अपने जो है एरिए के हिसाब से आप लगा सकते हैं कितना रुपया? 8 रुपए पकड़ो, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए पकड़ लो, 80 रुपए में लगभग 25% मतलब 100 रुपए के अंदर 25% पूरा। अगर 100% भी मान के चलो मैं 30 यूनिट कंज्यूम किए, 30 यूनिट का ये है कि अपना 250 या 300 रुपए भी पकड़ के, तो ये फास्ट चार्जर में अभी तक नहीं डाली गाड़ी। क्यों? कोई तुक नहीं बनता ना अपना 25 किलोमीटर यहाँ फास्ट चार्जर पे आओ फिर वहाँ पे डालो फिर उनके ड्रामे से आओ। हुआ क्या, एमजी मोटर का सीन बताता हूँ। हाईवे पे 32 माइलस्टोन पे एमजी मोटर है, एमजी मोटर के पास आप अगर नेक्सोन ईवी लेके पहुंच गए ना, उनका जो रिएक्शन था ना कि ये गाड़ी हमारे सर्विस सेंटर में आ कैसे गई, भाई टाटा की गाड़ी एमजी मोटर पे क्या कर रही है, इस तरह से वो रिएक्ट कर रहे थे। पहले तो मैंने बाहर से पूछा भाई फास्ट चार्जर कहाँ है, बोले अंदर है। अंदर गया तो अंदर बोला रुको 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 कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, मैं भाई फास्ट चार्जर का वो चार्ज करनी है गाड़ी अगर देखनी, तो बोलते नहीं 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 पहले आप ऊपर पता करके आओ, ये पता करके आओ, वो पता करके आओ। भाई साहब उनका जो रूडनेस और उस तरह का वो कॉन्सेप्ट था ना भैया मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं ये वो जड़े हाथ मैं घर जाके चार्ज कर लेता हूँ। तो वो मना करने का रीजन क्या था? मना करने का रीजन नहीं है यार, बात वो है कि एक चीज तो आपने दो बंदों को तो बता रखा है कि यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन है, बाकी 10 बंदे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं और कर रहे हैं जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने उनको बोल ही नहीं रखा कि यहाँ भी अगर कोई ईवी आए तो उसको चार्जिंग का हम दे सकते हैं। अच्छा, तो उनका ये परसेप्शन है ना, तो वो जल्दी से टूटेगा नहीं या जल्दी से उनको पता नहीं लगेगा, और उनका बिहेवियर देख के भाई मैं तो निकला है। फिर बाद में हमारा एक ईवी का ग्रुप बना हुआ है ओल्ड दिल्ली में, तो उस ग्रुप में नॉट ओनली मी मेरे को पता लगा काफी लोगों के साथ सेम बिहेवियर हुआ। अच्छा, तो बोलते हैं कि MG's मतलब उनके पीछे पड़ो उनको समझाओ तब तो शायद वो अलाउ भी कर देंगे। फास्ट चार्जिंग में कितना लेता है, टाइम कितना लेता है और कितने पैसे लेते हैं? जीरो है तो लगभग 1 घंटा में पूरी 100 कर देगा। सही बताऊ ना 2 महीने पहले तक सारे फास्ट चार्जर फ्री थे और अब उन्होंने चार्जिंग स्टार्ट पैसा चार्ज करना स्टार्ट किया है। कोई 20 रुपए यूनिट पड़ रही है, किसी का 18 रुपए यूनिट पड़ रहा है, किसी का 15 रुपए यूनिट पड़ रहा है। एक्चुअली क्या है कि जैसे अपने रेट है, हाँ अपने अपने रेट है और हर चार्जिंग पे जितना बिल आया ना उस बिल पे 18% GST और पकड़ के चलो वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है।
तो अभी ये बताओ कि कभी लंबा जाना होगा तब क्या करोगे? जैसे 400-500 किलोमीटर के आसपास जाना है आपने, तब क्या सिचुएशन है? मेरे को एक टाइम ऐसा आया था वास्तव में इमरजेंसी में मेरे भागना पड़ा था। मैंने क्या किया, गाड़ी ली यहाँ से, राजगढ़ से पिलानी है लगभग 40 किलोमीटर। पिलानी में मेरे भाई के पास एक और गाड़ी है, सेम नेक्सोन ही है उसके पास, ईवी नहीं है बट पेट्रोल में ली उसने। मैंने भाई को गाड़ी दी, मैं भी ये पकड़, मेरे को अपने का चाबी दे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा यार, वैसे आप इसको हाईवे रन पे या इमरजेंसी रन पे नहीं यूज कर सकते। लिमिटेशन तो है, इस चीज को नहीं नकार सकते भाई। तो रिकमेंड करोगे आप इस गाड़ी को? देखो रिकमेंड मैं करूंगा, व्हाई आई विल डू दैट, जिसके पास दो गाड़ियां हैं या जिसकी रनिंग सिर्फ सिटी सिटी में है। भाई आज के दिन में अगर ऑफिस से घर जाऊं तो मेरा 80 किलोमीटर है, अगर मैं मेरे बच्चे को भी पिकअप एंड ड्रॉप करूँ ना स्कूल से तो एक साइड 7 किलोमीटर, 7 × 28 भाई साहब सीधा सीधा 30 किलोमीटर का डेली का रन वो हो गया। तो ऐसे कामों में नॉट ओनली मैं, जहाँ पे भी यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिलीज या गुड़गांव में सिटी में जहाँ निकले आपका 30 से 50 किलोमीटर कब हो जाएगा पता ही नहीं लगेगा। तो जो अफोर्ड कर सकता है, जिसको सिटी में रन करना है उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है भाई, रात को चार्ज लगाओ या 2 या 3 दिन में चार्ज लगाओ, गाड़ी 100 होगी, आराम से 200-250 किलोमीटर तक रन होती है। एक बार आप बता रहे थे कि 3% में रह गई थी गाड़ी, आपको काफी चलना था, तो उस टाइम क्या हालात थे आपके, मतलब क्या सोच रहे थे? इनिशियल जब गाड़ी में फर्स्ट टाइम गुड़गांव लेके आया था राजस्थान से, द्वारका एक्सप्रेसवे पे पहुंचा तो मेरी गाड़ी थी 6%। और ये गाड़ी क्या करती है कि जैसे ही 10% पे पहुंची आपका एसी बंद, पावर से रिलेटेड जितने भी कंजम्पशन है वो सारा बंद, और आप जितना मर्जी आए पेडल दबा लो गाड़ी मर जाएगी एकदम। मतलब अपना परफॉर्मेंस है ना सीधा डी, स्पोर्ट्स मोड में आपने देखा होगा चला के, स्पोर्ट्स से डी में कितना कम है, डी को भी आधा कर दो। अच्छा, और 50 से ऊपर जाएगी जितना मर्जी आए पेडल दबा लो, जितना मर्जी आए कुछ कर लो, ठीक है। और दूसरा एक इसमें एप्लीकेशन है हमारे मोबाइल में जेड कनेक्ट की, वो इतना गंदा सायरन मारती है कि जैसे कि वो पैनिक करवा देती है कि हाँ भाई अब तो चार्जिंग लगा लो। वो भाई लगवा लेंगे, जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं डेस्टिनेशन पे। तो घर पहुंचते पहुंचते 3% में हम लोग फाइनली घर पहुंच गए थे। जाते ही मैंने चार्जिंग लगाई, मैंने जिस सेल्समैन से ली थी उससे बात की कि यार ये पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, उसने मेरे को ये बोला आपका गाड़ी जीरो भी हो जाएगा ना तो भी ये 5-10 किलोमीटर तक निकाल सकती है। अच्छा, हाँ तो आप फिकर मत करो, मुझे पता है आप पहुंच जाओगे क्योंकि आपका अभी इतना ज्यादा डिस्टेंस बचा नहीं है। और आरएसए का इनका है एक सीन कि आप इनके आरएसए को कॉल करोगे ना वो टो करवा के आपकी गाड़ी छोड़ देंगे। उसके चार्जेस तो होंगे ना? टो फ्री है, आरएसए फ्री है। अच्छा, आरएसए मतलब सिर्फ इसका फ्री है। आप कुछ शेयर करने वाले थे कि भाई आपको पता चला बाद में आपकी ड्राइविंग क्वालिटी सुधरी इसके अकॉर्डिंग, तो अब जो है वो 3% नहीं बचती, लगभग 25% बच जाती है जब गुड़गांव से अपने घर जाते हो। राइट राइट। तो इतना क्या आपने चेंज करा कि आपकी रेंज बढ़ गई? इस गाड़ी को आप पेट्रोल डीजल कार की तरह नहीं चला सकते। मतलब 200 किलोमीटर में मैंने सिंगल ब्रेक यूज किया था एक दिन। तो वो तो आप पेट्रोल डीजल में भी ना करोगे तो उनकी भी एवरेज बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। तो इसमें क्या सीन है साहब कि जैसे सामने ब्रेकर आ रहा है या बैड पैचेस आ रहे हैं भाई साहब, मैं पहले ही छोड़ देता हूँ कि हाँ भाई मेरे को एक्सेलरेट नहीं करना, लेट इट गो, क्योंकि वो रीजन में इसका कुछ तो कंजम्पशन है वो कम है। रीजन इसका जितना आप करवा सकते हो आपकी माइलेज बहुत सुधरेगी, बहुत। गाड़ी में पिकअप है दबा के आप इसको मन करेगा कि इसको 200 के ऊपर भी खींच दो, ठीक है, क्योंकि साइलेंट है गाड़ी, पता नहीं पूरा वेट इसका गाड़ी का सेंटर में है क्योंकि बैटरी है इस जगह प्लेस्ड है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इसका कॉन्फिडेंस है ना चलाने का जबरदस्त मिलता है, चाह के भी भगा नहीं सकते गाड़ी। क्यों, 120 की लिमिट है भाई? 120 की तो लिमिट है, लेकिन इंस्टेंट पिकअप जो है ना, इंस्टेंट पिकअप अगर मैं लेता हूँ गाड़ी का, इंस्टेंट पिकअप में बैटरी ज्यादा कंज्यूम होती है, तो मैं क्या करता हूँ कि गाड़ी को डी मोड में लेके छोड़ देता हूँ, फिर ये धीरे धीरे क्रोल करेगी, अपना पिकअप अपने आप लेगी, फिर धीरे धीरे इसको अप करूँगा, तो उसमें फिर बैटरी थोड़ी सही सिग्निफिकेंटली इसकी यूज होती है, फिर 3% तक निकाल देती है 1% में 3 किलोमीटर तक। आपका कहने का मतलब है डी मोड में चलाओ और लाइट फुट में चलाओ तब अच्छा निकलेगा, जबरदस्त। जितना ज्यादा रीजनरेशन यूज कर सकते हो उतना ज्यादा करो ताकि आपकी बैटरी चार्ज होते रहे साथ के साथ। मैंने अब अपनी ड्राइविंग हैबिट चेंज करके 280 किलोमीटर तक इसको यूज किया। अच्छा, सिंगल चार्ज मैक्सिमम आपको 280 मिला है? 280 तक, एसी के साथ विदाउट एसी? ऐसा था कि हाफ टाइम मैंने
विदाउट एसी यूज किया था, लेकिन हाफ जब मेरे को लग रहा था कि हाँ भाई आज गाड़ी मस्त चल रही है तो फिर मैंने एसी भी चलाया। तो मतलब सर्दियों में पॉसिबिलिटी है अच्छा एवरेज निकालने की इस गाड़ी में। तो सॉफ्टवेयर वगैरह चेंज जो करे थे इन लोगों ने, उससे क्या इम्प्रूवमेंट हुआ ओवर द टाइम आप बताओगे? मैं टाटा मोटर्स का इनिशियल जो सॉफ्टवेयर था उसमें गाड़ी 180 से 200 ही चल रही थी, और जो भी गाड़ी ले रहा था वो पैनिक करके टाटा मोटर्स के पास जा रहा था। तो इन्होंने क्या किया, रीजन के सॉफ्टवेयर अपडेट किए, ECU के सॉफ्टवेयर अपडेट किए हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, मेरी गाड़ी का ऑनबोर्ड चार्जर भी अपडेट हुआ है, मैंने जैसे आपको बताया था AC की सेटिंग्स के लिए इन्होंने एक सॉफ्टवेयर अपडेट किया था, ब्लोवर की स्पीड और ब्लोवर का पावर कंजम्पशन सब कुछ इनका सॉफ्टवेयर अपडेट ही होता है। सर्विस में गई है गाड़ी, सॉफ्टवेयर अपडेट ही करवा के आई, और कुछ नहीं होता यहाँ पे। ड्राइव मोड में मैं जैसे बता रहा हूँ कि इन्होंने थोड़ा सा पावर कम किया, ड्राइव मोड इनका पहले ज्यादा पावरफुल था, पहले वही सिटी में चलना, तो सिटी में चलने में तो इतना कोई रेंज का मैं ज्यादा टेंशन होता नहीं था। हाँ, मेरा 3-4 ट्रिप यहाँ का लगा मेरे घर होम टाउन का, तो वो इतना सोच समझ के चलते हैं कि हाँ भाई इनिशियल 50 किलोमीटर है, इनिशियल 50 किलोमीटर में आपने 10 से 15 किलोमीटर का अगर वो ले लिया ना मार्जिन, तब आपको पास कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं अब बाकी का बचा हुआ अच्छे से निकालूंगा, फिर आप 70-80 में आराम से जैसे नॉर्मल चल रहे हो वैसे चलाओ गाड़ी। अच्छा, तो थोड़ा सा वो कैलकुलेट करके चलना पड़ता है कि हमें कितना डिस्टेंस कवर करना है, कितना मार्जिन हमारे हाथ में होना चाहिए। भाई मैं जैसे 50 किलोमीटर में निकला, 50 किलोमीटर में अगर मैंने विदिन 20% अगर मैं निकल गया तो मेरे को पता है कि हाँ अब मेरे पास 10-15 किलोमीटर का मार्जिन आ गया है, अब अपने खींचो, फिर टेंशन फ्री थोड़ा सा वैसे काम। मतलब पहले आप थोड़ा सा टेंशन में रहते थे कि मैं पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंचाऊंगा कैसे करूंगा, अब वो चीज खत्म हो गई है बिल्कुल है। यस, लंबा जाना होता है तो आपने भाई बंधुओं को तैयार रखा है गाड़ी एक्सचेंज करने के लिए। गाड़ी एक्सचेंज करनी पड़ेगी क्योंकि दूसरी गाड़ी अभी है नहीं। ओके, तो आप बता रहे थे कि इसको चार्जिंग के भी कोई मिथ है कि यहाँ चार्ज नहीं हो सकती वहाँ चार्ज नहीं हो सकती ऐसा कुछ बता रहे थे? हाँ जी, इलेक्ट्रिशियन बना दिया इस गाड़ी ने सबको। अच्छा सही बता रहा हूँ, इसमें भी आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, टेस्टर वेस्टर, ठीक है। तो जैसे हम ये सोच के चल रहे थे कि गाड़ी कहीं पे भी चार्ज कर सकते हैं, कहीं ढाबे पे चार्ज कर सकते हैं या कहीं पेट्रोल पंप पे लगा के चार्ज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। रीजन बीइंग कि ये गाड़ी जब चार्ज होना स्टार्ट करती है 3000 वोल्ट एक साथ स्टार्ट लेना करती है 15 एम्पियर, यूजुअली जो होम अप्लाइंसेज होते हैं या फिर हमारे MCV वगैरह लगती हैं वो या तो 15 या 16 एम्पियर की होगी या 10 एम्पियर की होगी, या फिर जो वायर होगी वो ज्यादा से ज्यादा 2 mm की डालते हैं उसमें, या अर्थिंग ढाबों पे तो भूल ही जाओ, अर्थिंग तो कहीं मिलनी नहीं, मिलेगी तो भी प्रॉपर नहीं मिलेगी। तो ये क्या करती है, अगर हल्के वायर पे हल्की MCV पे आपने चार्जिंग स्टार्ट कर दी ना विद इन 30 मिनट्स या तो वो तार फूंक देगा, ठीक है, या फिर वो MCV ट्रिप कर देगा। तो इस तरह से ये गाड़ी हर कहीं चार्ज नहीं हो सकती, जहाँ मतलब हमने अर्थिंग और वो केबल सेटअप की है 4 mm के वायर के साथ सेटअप की थी। तो आप सोच के देखिए कि इसको जब पावर ये खींचना स्टार्ट करेगा मीटर से तो ऑब्वियसली गर्म हीट पूरी उसको चाहिए, कम से बता रहा हूँ कम से कम 25 एम्पियर की MCV होनी चाहिए ताकि वो 15 एम्पियर के लोड पे ट्रिप ना हो। करके देखा है आपने कभी घर पे कहीं? भाई साहब मैं तो सारा इलेक्ट्रिशियन का काम जानता हूँ, मैं तो करके सारी चीज कर दूंगा। अच्छा, कहीं उड़ाया है क्या आपने चार्ज करते वक्त? मैं जब गाड़ी ली थी ना तब गाड़ी जयपुर से सीकर आई, सीकर में उन्होंने क्या किया, टाटा मोटर्स के शोरूम पे रात को चला के छोड़ा। मैंने उनको बोला कि भाई साहब रात को आप जहाँ लगा रहे हो ना चार्जिंग मेक श्योर ये करना कि गाड़ी आपकी सही सेटअप हो। हाँ सर हमने करवा दिया, सब सेटिंग हो जाएगी, आपको सुबह आएगी 100% मिलेगी। चलो भाई सुबह जाके देखें सारा ट्रिप होके पड़ा हुआ है, वायर थोड़ी सी जली हुई पड़ी है जहाँ वो लग्स में लगता है MCU। भाई साहब इमीडिएटली वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, बड़ा सामान लेके आए, फिर लगा के स्टार्ट किया, तब जाके चार्ज। मतलब कि एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए अगर आपको घर पे भी चार्ज करनी है तो। देखो इनिशियल चार्जर जो देते हैं ना वो तो टाटा मोटर्स का जो स्पोक पर्सन आएगा एक टाटा पावर से वो इंस्टॉल करके जाएगा। अब मुझे पता है कि हाँ भाई मेरे रिलेटिव्स कहाँ कहाँ हैं, मैं उनको सबको अगर सेटअप कर सका तो ऑब्वियसली मेरी उस रेंज में कोई मतलब मैंने अपनी टेंशन खुद खत्म की है, रीच बढ़ गई है। हाँ मेरी रीच बढ़ी है सही में, आपने सही बोला। तो 3-4 महीने लगे मेरे को इस एंजाइटी से बाहर आने में, जयपुर हाईवे पे एक भी फास्ट चार्जर नहीं रहा, एक पंचगांव बन रहा है ऑपरेशनल है
और एक निमराणा के पास बहरोड पे स्टेटिक वाले लगा रहे हैं। दूसरा है जयपुर एंटर होते ही एक चार्जर मिलेगा, तो इस रूट पे 3-4 चार्जर हो गए। आप चंडीगढ़ निकल जाओ आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी, आप आगरा निकल जाओ कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी। अच्छा, तो धीरे धीरे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं होगा कि वो चीज की दिक्कत आएगी। इस गाड़ी के जो फायदे हैं ना, वो एक बड़ी पिक्चर में देखा जाए तो ज्यादा सही है। एनवायरनमेंट को लेकर के काफी फायदा है, ठीक है। अगर ज्यादा आप लंबे टाइम तक रखते हैं तो फिर आपकी जो है ना वो बचत स्टार्ट करती है, तब ये डीजल या उसके चीप पड़ेगी आपको। इन सारी चीजों को देखा जाएगा। एक हमेशा आपको मतलब की वाइब्रेशन और अंदर की कैबिन नॉइस वगैरह उस चीज से छुटकारा मिल जाता है, ठीक है। और एक फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है, अगर आपको आगे भी अगर कभी बेचनी भी पड़ेगी तो ये लोग फिर भी प्रेफर करेंगे, क्योंकि आगे आगे जो है वो इलेक्ट्रिक का ही जमाना आएगा। भाई साहब, टाटा में 8 साल काम किया मैंने, ठीक है। हाँ, तभी मैंने पहली गाड़ी नैनो ली थी। मेरा पर्सनल टाटा का जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि टाटा अगर आपको 5 रुपए की कोई चीज देती है ना, तो ऑब्वियसली वो 5 रुपए का माल होगा, वो उस चीज की वैल्यू का माल देता है आपको। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो मेरे को हमेशा से टाटा में अट्रैक्ट की। उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आपको पता है कितना मेजर है, हर सेगमेंट में है वो आज के दिन, और सबसे बेस्ट रेट आपको टाटा ही देता है, और उस हिसाब से वो चीज भी देता है। हाँ, एक मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ ईवी ओनर्स के लिए, या फिर जो ईवी परचेज करने वाले हैं। बहुत सारे ओनर्स हैं जो मेरे टच में हैं, सबको चार्जिंग से रिलेटेड इश्यूज आए हैं। चार्जिंग से रिलेटेड इश्यूज इन द सेंस कि इसमें जो चार्जर सेटअप इन्होंने दिया हुआ है ना, जिस केबल से हम गन को लॉक करके चार्ज करते हैं, वो क्या करती है कि इनिशियली जैसे हम पिक करते हैं 240 वोल्ट मिनिमम हमारा होना चाहिए, 240 से 245। अब अगर आप ऐसे जैसे सर्दियों में हमने देखा था कि क्या हुआ, 245 से ऊपर था, 245 या 250 के आसपास था। तो अब उस टाइम अगर मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये क्या करता है, इनका ऑनबोर्ड सर्किट पहले मेजर कर लेता है कि कितना करंट इनफ्लो हो रहा है। उस केस में ये गाड़ी की चार्जिंग स्टार्ट ही नहीं करता। आप देखोगे कि क्या हो गया, मेरी गाड़ी चल क्यों नहीं रही, स्टार्ट क्यों नहीं रही, चार्जर खराब हो गया, मतलब इस तरह की ऑब्वियसली आएगी, आप सर्विस सेंटर में पूछोगे ये होगा। तो जल्दी से इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन निकला नहीं। फिर हमने ही मल्टीमीटर लगा के थोड़ा चेक किया कि हाँ भाई सीन क्या है, कितना करंट क्या, ऐसा क्या आ रहा है। तो हालांकि मेरे साथ ये दिक्कत नहीं हुई, हमारे राकेश भाई साहब के साथ दिक्कत हुई थी। उन्होंने क्या किया, नेक्सॉन ईवी, हाँ उन्होंने नेक्सॉन ईवी ले रखी है, सेम कलर सेम गाड़ी। क्या करते थे वो, अपने पापा को इन्होंने गिफ्ट करी थी गाड़ी, उनके पापा ही चलाते हैं, दिल्ली का कम से कम 100 किलोमीटर का अपन ड्रम है। तो वो भाई साहब क्या करते थे, उन्होंने हीटर गाड़ी की डिक्की में रखा और अपने पापा को बोला पहले जाके वो हीटर ऑन करो, ताकि जो 250 के आसपास जो वोल्ट जा रहे हैं वो 240 तक आ जाए, फिर गाड़ी का लोड दे दो और फिर हीटर बंद कर दो, आपकी चार्जिंग सीमलेसली चलेगी। तो ये थी सर्दियों वाली दिक्कत जहाँ पे करंट अच्छे से आ रहा हो, मतलब बिजी रखेगी भाई आपको ये गाड़ी, ले लेना ठीक है कि कभी कुछ करोगे कभी कुछ करोगे। हम अगेंस्ट नहीं है, हम कह रहे हैं आपको सारी सच्चाई बता रहे हैं कि ये चीज है, अभी चैलेंज ये है, ठीक है। अच्छी बात है, ले रहे हो तो आपका अगर छोटा सा रन है ना लोकल के अंदर ही तो ले लो। और बाकी एक चीज हो रही है इस गाड़ी में, सबसे बड़ी दिक्कत ये गाड़ी, अगर कहीं मतलब अभी तक टचवुड मेरे साथ ऐसा दिक्कत हुआ नहीं है, कई जगह खड़ी हो जाती है। उस केस में आप RSA को कॉल करोगे या सर्विस सेंटर पे कॉल करोगे, वो पता क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि बूट में उन्होंने जो टायर की स्टेपनी रखी है ना, उसमें एक 10 नंबर का स्पैनर रखा है। बोलते हैं कि बोनट खोलो, माइनस का टर्मिनल हटाओ, 10 मिनट गाड़ी छोड़ दो, वापस लगा के फिर स्टार्ट करो, और हो जाती है वो आपका सेम एज इज ये है कि आपका फोन हैंग हो गया, उसको रिस्टार्ट कैसे करना और भाई साहब इस गाड़ी के साथ जितने भी ओनर हैं जिनको ये प्रॉब्लम आई है, सबने फार्मूला अपनाया है और उनकी गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है और चल भी लेती है। मोस्टली उनको होती है जो लोग फास्ट चार्जर से गाड़ी ले रहे हैं और फास्ट चार्जर करवा के निकलते हैं, तो उनको इस तरह की दिक्कत आती है। अच्छा, कभी बीच रोड में भी बंद हो जाएगी ऐसे? तो कई है इंस्टेंस जो हमारे इस ईवी ग्रुप में पता लगा था कि सिग्नल पे जहाँ कहीं रुक गई तो लोगों ने ऐसे रिस्टार्ट किया, या सुबह जैसे निकलने के टाइम पे स्टार्ट नहीं हो रही, क्रिटिकल एरर यहाँ पे ओडो में क्रिटिकल एरर दिखा देता है, तो वहाँ पे उनका जो ट्रबल शूटिंग वाला स्टेप है वो ये है कि उसका माइन बैटरी का ऑक्सिलरी बैटरी जो है
उसका माइनस टर्मिनल हटाओ, 10 मिनट गाड़ी छोड़ो आइडल और फिर वापस लाओ। अभी जब गाड़ी स्टार्ट करी थी तो 78% बैटरी थी, अभी 77 हो गई है। उस टाइम 208 किलोमीटर दिखा रहे थे, अब 206 है। पर किलोमीटर ये 2 किलोमीटर जो है वो खा रही है, पर उसके हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से बड़ी गाड़ी की बात कर रहा हूँ। अभी हमारा एसी ऑन है ना गाड़ी। हाईवे पे जब हम चल रहे हैं, ठीक है, हाईवे पे इंस्टेंट पिकअप आप ले नहीं सकते, ज्यादा तेज भगाओगे नहीं क्योंकि आपकी रेंज कम हो जाएगी। उस केस में मेरे को सिर्फ एक पांव पे एक्सीलरेटर को इतना ही प्रेस करना है कि वो 60-70 पे टिका रहे। वैसे आप 200 किलोमीटर ऐसे चलोगे तो अंगूठा भी दर्द करना लग जाएगा। तो एक ये फीचर था जो हम सब लोगों ने कंपनी को बोला था कि क्रूज कंट्रोल एटलीस्ट यहाँ पे जरूरत थी कि बिल्कुल ये चीज, जब हमें पता है कि हमें ये रेंज सेट करके ही चलना है तो उस टाइम पे फिर ये थोड़ा सा दुख देने लगती है, पांव दर्द करने लग जाता। एक ये जुगाड़ बनाया था, ये क्या कहीं एक्सटेंशन अगर मेरे को लगाना पड़ जाए तो वायर वायर का, ये बहुत जरूरी है इस गाड़ी के लिए। अच्छा, ये वायर तो काफी बड़ी आती होगी इनकी कुछ नहीं। ये खुद 4-5 मीटर का ही वायर देते हैं, इससे ज्यादा नहीं देते हैं। अब ये गन है, इस गन में यहाँ पे ये लॉक लगता है, ठीक है, और अब आप इसके ऊपर देखिए कुछ भी, मतलब सीधा स्लॉट में जाइए और कोई दिक्कत नहीं करेगी। अब मैं दिखाता हूँ आपको लॉक कहाँ लगा, ये देख रहे हो वाइट कलर का लॉक, ठीक है। अब ये जैसे ही चार्जिंग ऑन होगी ना, ये गाड़ी इस गन को लॉक करेगी यहाँ पे, ठीक है। अनलॉक कैसे करते हो? अब अगर अर्थिंग प्रॉब्लम आया आपकी, डेफिनेटली ये गाड़ी उसको छोड़ेगी नहीं लॉक को, और वो गन लॉक हो जाएगी। आपको एक बार तो टेंशन दे ही देगी कि ये निकालू कैसे, और जब तक आप सर्विस सेंटर में पूछोगे कोई फोटो नहीं है, कोई मैनुअल नहीं है। जो मैनुअल है उसमें भी ये चीज नहीं बताई हुई, ना सर्विस सेंटर वाला बताता। अब इसको ये इसके नीचे इसका पूरा, ये जो गन है ना इसका पूरा सेटअप नीचे लगा हुआ है, तो वो मैनुअल लीवर है, इसको मैं अब हटा दिया। तो हटिए, ये आपको कैसे पता चला? भुगत भोगी है यार। एक एक बार, मतलब ये सारे डाउट और सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। बाकी ये फास्ट चार्जर का पूरा गन लगता है, नीचे वाला। हाँ, नीचे वाला डीसी फास्ट चार्जर है, ये अपना एसी चार्जर है। पहले मैं सोच के बैठा था कि ये जो चार्जर ये दे रहे हैं ना सेटअप, यही चार्जर है। पहले मैं ये सोच के बैठा था ये वाला, बट ये चार्जर नहीं है, ये सिर्फ एसी करंट पास करता है गाड़ी में। अब इन्होंने दिया हुआ है कि अगर अर्थिंग नहीं है तो ये रेड लाइट जल जाएगी, और कुछ दिक्कत हुआ तो, और कुछ ना कुछ ये दिखाता रहता है। लोगों के चार्जर भी खराब हो गए। खराब बोलिए तो रिप्लेस हो जाते हैं? 1 साल तक तो रिप्लेस हो जाएंगे। 1 साल के बाद लगभग 15,000 रुपये का खर्चा है इसको, सिर्फ ये 15,000 का। अच्छा, काफी लोगों की बैटरी भी रिप्लेस हुई है। हाँ, है 2-3 ओनर जिनका पता चला। बैटरी की कॉस्ट क्या होगी? बैटरी की कॉस्ट गाड़ी की कॉस्ट का 40% होता है, तो कम से कम 7-8 लाख रुपए तो मान के चलो। अगर जिनकी बैटरी सही चल रही है, मुझे नहीं लगता उनको 8 साल बाद भी चेंज करवानी पड़ेगी। हाँ, डिग्रेड होगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भाई जहाँ 250 का एवरेज ले रहे हैं हम लोग, तो 250 की एवरेज से 230 आ जाएगी, इतना ज़रूर होगा, लेकिन इससे ज़्यादा वो नहीं होगा। और एक चीज़ है, टाटा मोटर बाद में बताता है कि हाँ भाई हमने आपका सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, BMS अपडेट किया है, तो उस केस में सेल बैलेंसिंग करते हैं वो लोग। तो सेल बैलेंसिंग के लिए ये बोलते हैं कि आप स्लो चार्जर डालिए और कम से कम पूरा साइकिल कि आप 10% पे गाड़ी लेके आए, 10% से 100%, फिर आप वापस 10% पे ले जाओ, फिर 100 करो, तब जाके सेल रीबैलेंस हो जाते हैं इसके। ये जनरली बहुत फर्क पड़ता है गाड़ी की रेंज में भी। कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसमें बैटरी लगती है, उसमें ये चीजें करना जरूरी है। बाकी फन टू ड्राइव है, खींच के लियो, खींच के तो लेना चाहिए ना भाई। देखो सिटी है, खींच के लो, और जब 200 किलोमीटर निकलना होता फिर आपको सोच के लो, खींच के या फिर सोच के हैं। और सिटी में वैसे भीड़ रहती, कहाँ खींचोगे? नहीं भाई साहब, आप लगाओ किसी के साथ रेस, यहाँ तो सिग्नल टू सिग्नल रेस लगती है। तो ये था बिल्कुल ऑनेस्ट
टू द पॉइंट और जो जो एक्चुअल में दिक्कतें हैं नेक्सॉन ईवी के साथ वो सारी बताई भाई ने। कोई ले रहा है नई गाड़ी तो ये चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। अगर इतना तामझाम और इतनी परेशानियां झेल सकते हो तो ही जाना, कम चलाते हो तो ही जाना, तब ज़्यादा फायदे में रहोगे। सारे डाउट क्लियर कर दिए आज के इस वीडियो ने, ठीक है। बहुत लंबा जरूर बना है, ठीक है, लेकिन सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब आपका डिसीजन है, लेनी है तो ले ओ, सोचो चाहे खींचो, ठीक है। चार पांच साल बाद लेनी है तो वो भी देख सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर फोर व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट तो भाई इलेक्ट्रिक में भी लगानी पड़ेगी, टू व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट भी जरूर पहन लेना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच अंजाम भाई।